स्वागत है आप सबका कुछ और रुद्राक्ष के फैक्ट्स के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी रुद्राक्ष कैसे करना है, उसकी पूजा कैसे करनी है, क्लींजिंग करने के, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए कि ये मुखी क्या होता है, लाइक हम बोलते हैं एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष है, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे उनको पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए। बट सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मुखी क्या होता है। मुखी होता है जब हम रुद्राक्ष को हाथ में लेते हैं तो आपने देखा होगा उसमें मोटी मोटी कुछ लाइंस होती है, दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट्स। अगर हम उसका एक्सरे देखेंगे, रुद्राक्ष का एक्सरे अगर हम अंदर से देखेंगे तो यू कैन सी क्लियरली द कंपार्टमेंट्स इनसाइड द रुद्राक्ष। मैं आपको एक फोटो के थ्रू इसको समझा। तो ये फोटो है जिसमें 1 से 12 आप नंबर्स देख रहे हैं और ये नंबर्स जो हैं वो रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट्स हैं। इट मींस दिस इज अ 12 मुखी रुद्राक्ष। अब ये सेकेंड फोटो है, इस सेकेंड फोटो में आप देखोगे तो इसमें 10 अगर आप काउंट करोगे तो 10 कंपार्टमेंट्स हैं। मैंने एक फोटो आपको शेयर करा है जिसमें कटा हुआ है रुद्राक्ष को, ये फोटो में रुद्राक्ष को अगर हम काट के भी देखते हैं तो अंदर आपको कंपार्टमेंट्स देखते हैं। जो फेक रुद्राक्ष आते हैं उनमें अंदर कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। एक ये विधि है उसको जानने की, असली है कि नकली, बट इट्स अ टफ। एक्सरे आप करा सकते हो रुद्राक्ष का, किसी भी नॉर्मल एक्सरे के उसमें आपका एक्सरे हो जाता है और आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर कंपार्टमेंट्स कितने हैं। अगर वो क्लियर कंपार्टमेंट्स हैं दैट मींस इट्स अ प्रॉपर रुद्राक्ष। तो अब हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की। एक मुखी प्रॉपर शिव का होता है। ये रुद्राक्ष क्या करता है, लोगों को लगता है कि ये हमें बहुत लक्ष्मी देगा, ये देगा। रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष आपको किसी एक ओर लेके जाता है, आपका ध्यान, आपका अट्रैक्शन लाइफ के किसी एक पाथ पे रखता है। लाइक अगर किसी को साधु बनने की इच्छा है और उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष है या फिर उसने पहना हुआ है, तो उसका ध्यान हर वक्त उसको अपने घर और बच्चों का ख्याल छोड़ करके वो एक सन्यासी बनने के लिए एक रास्ता चुनना, एक मुखी रुद्राक्ष आपको एक डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर किसी ने सोचा मुझे पैसा कमाना है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, कौन से मीन्स से कमाना है, डजंट मैटर। आपका फोकस जो है वो लाइफ पे, आप जो सोच रहे हो, आपकी जो सोच है, आप जो चाहते हो, वो आपका फोकस उस तरफ ही अट्रैक्ट करता है किसी एक चीज के। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर, इसीलिए मैंने पहले भी बताया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, विच इज वेरी गुड। जिनकी शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो भी 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। शिव और पार्वती दोनों की ब्लेसिंग है तो 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, उसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष के रेटिंग है अग्निदेव। तो जिन लोगों को डर लगता है या जो लोग बहुत सेल्फ लो एस्टीम में रहते हैं, मतलब जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दे फील वेरी लो, राइट। अगर उनको डर लगता है रात में, किसी चीज का फोबिया है या सोते वक्त डर लगता है किसी चीज का, तो ये अग्निदेव, इट क्रिएट्स फायर इनसाइड, फायर इज स्ट्रेंथ, तो ये पहनने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। हर रुद्राक्ष का एक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, जैसे एक मुखी का है ओम ह्रीम, 2 मुखी का है ओम, 3 मुखी का है ओम क्लीम। तो ये वीडियो के एंड में आपको सारे 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के सारे के मंत्रास मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन नोट डाउन। अब हम बात कर रहे हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये ब्रह्मा का स्वरूप है, 4 ब्रह्मा के भी सर थे और ये 4 ब्रह्मा को, इसमें आपके, ये आपके लाइफ के 4 एम्स को पूरा करने में आपको मदद। गॉडेस सरस्वती भी की भी कृपा इस रुद्राक्ष पर रहती है। तो जो लोग माइंडफुल वर्क करते हैं, लाइक लॉयर्स या फिर जिनको बहुत माइंड शार्पनेस चाहिए, माइंड शार्पनेस, दे कैन वेयर दिस 4 मुखी रुद्राक्ष। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है 5 एलिमेंट्स के बारे में कि
की हर जगह फाइव एलिमेंट्स विराजमान होते हैं। तो ये जो पांच मुखी रुद्राक्ष है, फाइव फेस्ड रुद्राक्ष, इसमें भी फाइव एलिमेंट्स का बोलते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स फाइव एलिमेंट्स। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअली अलाइन्ड होने में, स्पिरिचुअली ग्रो करने में। पांच मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं हर कोई पहन सकता है, इट इज वेरी गुड। ये आपको हर तरीके के पापों का, आपके हर तरीके के पापों का नाश भी करता है, एंड इट इज वेरी गुड, लाइक अ पर्सन फील्स गुड बाय वेयरिंग दिस। छह मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं कार्तिकेय। ये एक पर्सन अगर छह मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो वो उसको एंगर से, जेलेसी से दूर रखते हैं, एंड इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। यस, तो छह मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है अगर इंसान को कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि ही फील्स है, उसको खुद को अगर महसूस होता है, ही कैन बियर इट। सात मुखी रुद्राक्ष के देवता हैं अनंग। ये सात मुखी रुद्राक्ष काल सर्प दोष के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, इट रिप्रेजेंट्स सेवन सेक्रेड रिवर्स ऑल्सो। सो ये इंसान को हेल्थ वेल्थ के साथ साथ काल सर्प दोष से भी मुक्ति दिलाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं वसु मूर्ति एंड भैरव। ये रिप्रेजेंट करता है अष्ट सिद्धियों को। इसको पहनने वाला हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, अपने शत्रुओं को हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। बोलते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना वो अपना पूरा लाइफ स्पैन बहुत अच्छे से जी के, और फिर बाद में आफ्टर डेथ उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। नौ मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है स्वयं महेश्वरी को, महेश की को जो वाइफ है पार्वती, उनका एक नाम महेश्वरी भी है, इट रिप्रेजेंट्स महेश्वरी यानी नौ दुर्गा। जो इसको नौ मुखी को पहनता है, इट गिव्स करेज, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। और आप इसको बहुत ही डिवोशन के साथ पहनना चाहिए, तभी कोई भी चीज़ तभी वर्क करती है जब आप उसको फुल फेथ और डिवोशन के साथ पहनते हो। दस मुखी रुद्राक्ष, इसके डेटी हैं जनार्दन यानी लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप। जब आपकी लाइफ में आपको लगे यू आर फेसिंग टफ टाइम्स इन लाइफ, यू वांट डिवाइन पावर्स, यू वांट पीस इन लाइफ, तब आप इसको पहन सकते हो। अगर आपके घर में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लाइक पीस की कमी है, बहुत ऐसा हो रहा है, देन यू कैन वेयर दिस एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। यस, दस मुखी रुद्राक्ष आपके सारे डिजायर्स को फुलफिल करता है, इसलिए दस मुखी रुद्राक्ष जो है वो स्वयं लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष, इसकी जो डेटी है वो है रुद्र। यहाँ पर रुद्र का मतलब शिव नहीं है, हनुमान है। जी हाँ, हनुमान जो है वो भी शिव का ही स्वरूप है, उनके ही अवतार है। तो यहाँ पर ग्यारह मुखी रुद्राक्ष जो है वो रुद्र यानी हनुमान को रिप्रेजेंट, उनके जो डेटी है दैट इज रुद्र मीन्स हनुमान। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, फिजिकल मेंटल हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन इन लाइफ, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन, क्लैरिटी इन लाइफ। यस, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले इंसान को लाइफ के हर स्फीयर में विक्ट्री मिलती है, विजय प्राप्त होती है। बारह मुखी रुद्राक्ष, बारह मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो है बारह आदित्यास। आदित्यास मीन्स सन। इट गिव्स यू ब्रिलियंस, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर्स, हेल्थ, वेल्थ। इसीलिए ये प्रेफरेबली पॉलिटिशियंस के लिए या जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, सर्विसेज में है, उनके लिए रिकमेंडेड होता है। चौदह मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता हैं विश्वदेवा, इट रिप्रेजेंट्स इंद्र। ये आपको लाइफ में हर हैप्पीनेस देते हैं, फैमिली हैप्पीनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, हर तरह की शुभता प्रदान करते हैं, इट क्रिएट्स गुड फॉर्च्यून इन योर लाइफ। चौदह मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें, इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, मेमोरी रिटेन करने में मदद करता है, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाता है, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इन लाइफ। स्पेशली जो लोग स्पेकुलेशन में हैं या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा माना जाता है, बिकॉज इन काम में यू नीड इंट्यूशन पावर। सो ये तो बात हो गई एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष के सिग्निफिकेंस की, मंत्रास यू विल गेट। अब हम बात करते हैं, एक रुद्राक्ष होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, अगर आपने सुना होगा। ये दो बीड्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं,
ये शिव और शक्ति का स्वरूप होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष के बहुत ही फायदे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीस हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ इन लाइफ, तो शिव और शक्ति से अच्छा और क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक से ज्यादा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, अगर किसी को दो मुखी भी पहनना है और 14 मुखी भी पहनना है। जी हाँ, पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने कई बार मार्केट में देखा है कि मालाएं आती हैं 1 से 14 मुखी सारे की एक साथ मिक्स एक माला आती है, बट उसकी जरूरत नहीं होती। आपको जो जरूरत है, आपको जैसा लग रहा है, आप एक से ज्यादा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बट विद द प्रॉपर क्लीनिंग, जैसा मैंने बताया, उनको ट्रीटमेंट करके प्रॉपर क्लीनिंग के साथ, प्रॉपर मंत्रास के साथ। और अभी वीडियो के एंड में जो आपको बीज मंत्र मिलेंगे, वो जब आप कोई भी रुद्राक्ष की एक बीट भी अगर उसको पहनते हो तो भी वो काम करेगी। जरूरी नहीं है कि अगर आपको दो मुखी पहनना है तो आप सारी माला 2 मुखी की पहनो, एक बीट भी है इट विल वर्क। बीज मंत्र के साथ उसको अच्छे से अभिमंत्रित करके तब पहनो, इट विल गिव यू ग्रेट हैप्पीनेस। तो अगला वीडियो मैंने मोरपंख पर सोचा है कि उस पर कुछ फैक्ट्स आपको बताऊं, मोरपंख का आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने घरों में रख सकते हैं। सो टिल देन, स्टे कनेक्टेड विद द फैक्ट्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।